लाइब्रेरी, 5 करोड़ लाइब्रेरी हुआ, 2 करोड़ लोकेशन हुआ, ब्याह 6 स्कूली ब्याह 2 करोड़ कड़ी हुआ टोटल। इन शाला था चीज़ डिपार्टमेंट थ्रू बोने में आप 15 करोड़ तरह सावर आ जाए वाड़ी के कन्वेंशन सेंटर हो भी तो सक दो इंशाल्लाह के दे शिविर ता कैसा है कहना दचकिम 10 से जरगा हॉल से जरगा हॉल नहीं बिनुम जरगा हॉल नहीं बल्कि कन्वेंशन सेंटर हो भी कन्वेंशन हो पके कड़ा लाइशे तो सियासी खाल चीज़ में। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आपका शुक्रिया। ऐसा है कि सभी हमारे लिए काबिल एहतराम थे, चाहे वो अगर उम्र में कम था या मतलब उम्र में ज़्यादा, क्योंकि जो भी इलेक्टेड बंदा होता है वो सारे इक्वल होते हैं। प्रेसिडेंट साहब वज़ीर की क़यादत में अहमद वाइस प्रेसिडेंट पूरी यूनियन का जो उन्होंने यूनियन बनाई हुआ VC और NCC के जितने भी चेयरमैन हैं उस बुनियाद पर, तो उन्होंने ये आज का जो जिरगा था आज का एक्चुअल हम लोगों ने क्लेरिफिकेशन करनी थी कि ये हम लोगों ने 3 साल में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं डिलीवर किए, कौन कौन से प्रोजेक्ट हमने अप्रूव करवाए, और फिर उसके बाद उनके रोल के ऊपर कि आप लोगों का आगे आने वाले दिनों में क्या रोल होना चाहिए। ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट जिस तरह का हमारे फाटा में FCR का एक कानून था, एक काला कानून जिसे कहा जाता था, उस FCR कानून के तहत सारी चीज़ें हर लोगों की महरूमियाँ बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो ये अभी जो नया बल्दियात सिस्टम आया हुआ है जो लोगों के लिए एक बहुत ही एक नया एक्सपीरियंस है, हम उस एक्सपीरियंस को है ना मतलब ईजी करना चाह रहे थे कि जो हमने देखा है खैबर पख्तूनख्वा में पिछली दफ़ा भी या पंजाब में, वो चीज़ हमने उनको डिलीवर करनी थी कि यार इसको इस तरीके से हम लोगों ने चलाना है। तो एज़ ए यूनियन इन लोगों की हमें ज़रूरत भी है क्योंकि सियासी लोग हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, अपने इलाके को रिप्रेजेंट कर रहे हैं VC NCC लेवल पे। तो हमारे जो जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं मैंने सब उनके सामने रख दिए और उनके जो मसले मसाइल थे उन्होंने वो हमारे सामने रखे हैं। जहाँ तक रहेगी बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, बहुत सारे आज़ाद उम्मीदवार भी ख्वाहिशमंद है, जो इसका बहुत जल्दी इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि हम लोग शमूलियत करवाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी थे लेकिन मुख्तलिफ़ पार्टीज़ के लोग हैं। हम लोगों ने सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये कोशिश की थी कि VC NCC लेवल पर टिकट ना हो, ताकि वहाँ पर सियासी जो पार्टियों की जो तोड़ है ना वो कम अज़ कम एक इलाके या एक VC NCC में ना हो। बहरहाल वो इलेक्शन कमीशन अदालत ने वापस बहाल कर दिए थे। तो जमीयत के भी लोग थे, पीपल्स पार्टी के भी थे, आज़ाद उम्मीदवार भी थे, ANP के भी थे, तो ये सारे अपने इलाकों में इन्फ्लुएंशियल लोग थे। ये पार्टी बेस्ड इलेक्शन नहीं हो सकता, ये खुद उनके अपना असर रसूख था जो उनको इलेक्शन जितवा के यहाँ तक पहुँचा दिया उन्होंने। लेकिन हमारे लिए तो इलेक्टेड मेम्बर्स हैं, हमारे लिए तो ये है कि उस इलाके के बंद इसके ऊपर एतमाद की है, तो एतमाद जो है वो कभी भी हम पार्टी के साथ एफिलिएट नहीं कर सकते, वो हम लोगों के उस वोट की कदर करेंगे और उनके लिए ना भाग दौड़ करेंगे जितना हम अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी करेंगे, उनके लिए भी भाग दौड़ करेंगे। एक्चुअल हर बंदा चाह रहा होता है कि ताकत उसके पास हो, लेकिन कानून लिमिटेड होता है हर बंदे के लिए, हमारे लिए भी एक हद तक है ना हम लोग अपनी पावर्स यूज़ कर सकते हैं। उनका जो मसला है सबसे पहले उनको अपनी वो इलाके में बहाली चाहिए कि जो पावर्स बल्दियात की बताई गई थी, एक वो बड़ा मसला है। दूसरा ये कि हर इलाके में, हमारे इलाके 100 साल से महरूम है, 100 साल से क्या 1901 से जो LCR बना अभी तक 120-121 साल हो गए, 120-121 साल में वहाँ की महरूमियाँ 1-2-3 साल में ही ख़त्म हो सकती, वो आराम आराम से। तो हर बंदे ने अपनी मुश्किलात बताई, हमने वो नोट डाउन किए और वही चीज़ों को है ना हम वक्त के साथ साथ जो हमारे सामने जो जो मुश्किलात हम हल कर सकते हैं वो करते रहेंगे और आगे चलते रहेंगे। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि सियासत किसी को डिग्रेड करना नहीं है, सियासत किसी के खिलाफ बात करना नहीं है, सियासत नज़रिए की जंग है, सियासत एक सोच की जंग है। आगे कदम बढ़ाओ, अच्छी सोच के साथ कदम बढ़ाओ, कभी भी नहीं हरा पाएगा कोई आप लोगों को। लेकिन सिर्फ अगर हम मनफी लेवल पे प्रोपेगेंडों पे सियासत करते रहेंगे तो शायद वो कभी भी है ना हमारे इलाके के लिए बेहतर ना हो। तो मैं यकीन रखता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारी यूथ है वो जो उनको तालीम जो उनके पास है, जो उनको है ना मतलब दुनिया ने सिखाया, उम्मीद करता हूँ कि है ना हमारी यूथ से मुझे बहुत एक्सपेक्टेशन है कि वो आगे आएंगी और अपने मुश्किलात को खुद हल करना शुरू करेगी इंशाल्लाह।